हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं और आपको सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आखिर हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम का जो हल है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं मात्र 2 मिनट में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और आप इन दोनों तरीके से करते हैं इन सेटिंग्स को, ठीक है, चेंज, तो आपका जो प्ले स्टोर है वो पूरी तरीके से वर्क करने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपना प्ले स्टोर चेक कर लीजिएगा कि आखिर उसका कोई अपडेट तो नहीं आया है। इसी के साथ में आप अपने प्ले स्टोर की ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में आ जाती है सेटिंग्स। तो चलिए सेटिंग्स को किस तरीके से करना है वो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर की सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के लिए आपको प्ले स्टोर को यहाँ पर मैं चलिए सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा प्ले स्टोर, ठीक है। हम यहाँ पर इसे प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर ऐप इन्फो मिल जाएगा। इस पर भी सिंपली क्लिक कर और हम अपने प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है ऐप मैनेजर या फिर मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप लिस्ट का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे प्ले स्टोर के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना प्ले स्टोर चेक कर लेता हूँ, जैसे कि ये है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जैसे कि काफी लोगों को ये लगता है कि हमारे फोन में कोई इतना डाटा नहीं है, ठीक है, और पर हमारा जो फोन की स्टोरेज है वो बेर फुल हो जाती है, तो वो चीज़ भी आप यहीं से ही देख सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए जल्दी कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 50 MB, ठीक है, और इसकी जो एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू है वो यहाँ पर 128 में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि कोई भी एप्लीकेशन GB में तो नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो अभी तक तो यहाँ पर GB में दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे सर्विस, जो गूगल पे की सर्विस है वो यहाँ पर 1.37 GB में है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लमसम 1.5 GB में है, ठीक है। 1.5 GB स्टोरेज हमारे फ़ोन की घेर रखी है। इसी प्रकार हम यहाँ पर और भी देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15.16 GB, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये, ठीक है, यानी कि 15.16। अब आप समझ सकते हैं जो कैन मास्टर है वो आखिर कितनी MB का होगा, ठीक है, जाने ज़्यादा 100, 150, 200, ठीक है। पर इसने कैन मास्टर ने मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज है वो 15 GB घेर रखी है। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसकी इसकी फाइल्स बन जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि जो उसकी इसकी फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर जो फ़ोन का स्टोरेज है वो घेरने लगती हैं, और इसी वजह से हमारा फ़ोन है वो गर्म और हैंग और इसी के साथ में स्लो चलता है। तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं इसे बाद में कर दूंगा, ठीक है, क्लियर इसका डाटा। अब इसे डाटा को क्लियर किस तरीके से करना है आपको नहीं पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात तो हम प्ले स्टोर को यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं। अब जो प्ले स्टोर है हमारा, यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको सिंपली जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है प्ले स्टोर, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके सामने ये प्ले स्टोर की यहाँ पर वेबसाइट भी आ जाएगी और ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जो भी प्ले स्टोर है आपके फोन में नए सिरे से ओपन हो जाएगा। इसी के साथ में आप अपनी जो
प्ले स्टोर की प्रोफाइल देखने को मिल रही है ऊपर में कॉर्नर में, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके और अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जैसे कि कितना भी बड़ा गेम सही चाहे कुछ भी सही, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है गेमों को लेकर ही दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐप्स पर सिंपली क्लिक करता हूँ, QR वगैरह आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को यहाँ पर कर लेता हूँ, इंस्टॉल पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद में ये हमारे फ़ोन में यहाँ पर हो जाएगा। अब ये पेंडिंग दिखा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, अब ये आपका प्ले स्टोर है वो वर्क करने लगेगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे फोन के अंदर, ठीक है। देख सकते हैं ये हो चुका है, उसके बाद में हम ओपन कर लेंगे और इसे हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्ले स्टोर की जो प्रॉब्लम है आप अपनी प्ले स्टोर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें।